सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमां अस्मद आचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरां वंदे गुरु परंपरां। अनंत कोट ब्रह्मांड नायक भगवान श्री हरि के चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम एवं हमारे समस्त आचार्य परंपरा गुरु परंपरा सदगुरुदेव भगवान एवं सब मंचस्थ सब संत महात्माओं के चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। व्यास पीठ पर विराजमान वास्तव में व्यास पीठ ऐसे विद्वानों से ही सुशोभित होती है। ऐसे हमारे परम पूज्य परम आदरणीय श्री किशोर चंद जी शास्त्री जी के चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। जिनको भगवान की प्राप्ति करनी है, जिनने मानव जीवन रो लाभ लेनो है, मानव तन ने सफल बनानो है, जीवन ने सफल बनानो है, तो मुख्य ये चीजा है कि वंदहु प्रथम मही सुर चरणा। सर्वप्रथम ब्राह्मणों का आदर, गौ माता का आदर एवं वैष्णवों के चरण कमलों में हमारा अनुराग, गौ माता की सेवा, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ऐसा करोगे तो फिर माता पिता का तो आज्ञा का पालन करोगे ही, क्योंकि वैष्णव के चरणों में अनुराग तो वैष्णव सर्वप्रथम कहेंगे कि आपके माता पिता को नित्य उठ करके प्रणाम करो। भैया हमारे रघुनाथ जी प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावे माथा, वो संतान बड़े भाग्यशाली है, वो नित्य माता पिता के चरणों में अपना सिर रख के प्रणाम करते हैं, ब्राह्मणों को प्रणाम करते हैं, गौ माता को प्रणाम करते हैं और संतों का आदर सम्मान उनको दंडवत प्रणाम करते हैं। आप कितने भाग्यशाली हो इस कलिकाल में आपको रामचरित मानस के माध्यम से सत्संग प्राप्त वेरी भी है। भैया बिनु सत्संगत हरि कथा ता बिन मोहन भाग, और मोह गए बिनु राम पद हो या न दृढ़ अनुराग, वो सत्संग आपने मिल रही भी है। धन्यवाद जी का आयोजक जो सत्संग रखवाइन सनातन धर्म रो प्रचार एवं सब ने सत्संग रो लाभ दे रिया है। सत्संग मुख्य आपने कई चीजें बतावे है। मैं आपने पूछूं थे जिकी जाति ने लेन बैठिया हो सगड़ा, कोई के मैं जाट हां, कोई के मैं राजपूत हां, कोई के मैं वे हां, थे पूर्व जन्म में कुण हा, इन जन्म सु पहला थे कुण हा, और इन मृत्यु रे बाद में थे की जगह जाओ अन कुण रे वो थाने ठा है। आ तो बीच में केवल जाति जिन जगह जन्म मिल गयो इनु आगे बढ़ो, और जो जन्म सु पहला हार अबे हो वे मृत्यु के बाद में ही रेवोला वो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, आप ईश्वर के अंश हो। इस बात को पक्का करके आज दुर्भाग्य सु कहनो पड़े, नहीं चाहते हुए बोलनो पड़े, सनातन धर्म रे ऊपर जो कटाक्ष वेरियो है ए दूजा को नहीं था कालाइज भाई हिंदू, था कालाइज भाई हिंदू थारू इस ताकतवर वे परा, और सनातन धर्म कोरोना है, बीमारी है, डेंगू है,
इन्हें खत्म कर दो, ऐसी ऐसी मूर्खतारी बातें करे ए लोग। आपसे प्रार्थना है, आवश्यकता संगठन की है। आज जातिवाद करने री आवश्यकता नहीं, मारे बचपन में जातिवाद नहीं हो। जाति धर्म नष्ट होने से नरक में जाता है और जातिवाद करने से राष्ट्र का भी पतन होता है, नरक में जाना पड़ता है। हिंदुओं से प्रार्थना है जातिवाद में ना बंटे। हिंदुओं से प्रार्थना है जो सनातन धर्म री आलोचना करे और सनातन धर्म ने गालियां देवे जिकाने साथ रखे, वाने धूल चट्टाणारो समय आयोड़ो है। सावधान वे जी जो आप लोग, हमें कोई राजनीति नहीं करनी, हमें कोई मंत्री वंत्री नहीं बनना है। आजरा नेताजी हिंदुआ ने तो बोले गालियां, मौलवी साहब रा चरण में जाए न मा तो रगड़े ने, मौलवी साहब गुद्दी पकड़े न मा तो रगड़ावे जमी माते। आरी हिंदू तो मरगो, आरी शान मरगी, आरो स्वाभिमान मरगियो। ऐसा लोगों सावधान रह जो वे थारो कदी भलो नहीं कर सके है। और थे अपना स्वाभिमान और अपना गौरव ने संभालन। हिंदू हितरी कोई बात करे, मैं किसी का पक्षधर नहीं हूं। थानू एक प्रार्थना है, हमारा दौड़ ओड़ा अवेला थारे कने कई लोग के साहब मारो साथ दे जो तो बने कई जो के नेताजी। थानू प्रार्थना है सनातन धर्म ने गालियां काटे जिकारा थे साथी हो कि नहीं हो, के देख मैं साथी कोनी को तो थाराली पार्टी। महाराज जी मुसलमानारो कुत्तो मर जा तो ए नेता इतना चिल्लावे ने इतना कूदे है कि आरा माइती माइता ने ज मार दिया वे जियो। हाँ, और पालघर में दो साधुआरी निर्मम हत्या करी है, दुष्ट एक ही नहीं बोलिया। हाँ, और अर्णव गोस्वामी कहो करे ए कम से कम निंदा तो करता जिकन जेल में गालियो, हिंदुआरी बात करना रो फल दियो इन्हें। आज बारा पतन वेगोर वारा सुपड़ो साफ वेगो वालो गारो, इन्हें वास्ते राम विरोधियों का सुपड़ा साफ होने वाला है और राम विरोधियों ने का साथ दे। मृत्यु महाराज दोनों री आश्चर्य की बात है। भीष्म जी भगवान के भक्त थे, आजीवन ब्रह्मचारी थे, 8 वर्षों में से 1 वसु का अवतार थे, इसमें कोई संदेह नहीं। इच्छा मृत्यु का वरदान था। आहा, आमिष भोजी जटायु पक्षी, लेकिन एक अबड़ा पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। राम विरोधी को पता था रावण मुझे मार देंगे, लेकिन हमारे होते हुए हम अन्याय का साथ नहीं देंगे। पंख कटाया वो भगवान की गोद में शरीर छोड़ रहा है और भीष्म जी अपनी प्रतिज्ञा को रखते हुए द्रौपदी की रक्षा नहीं कर पाए। एक विधर्मी दुर्योधन के जैसा का साथ देने के कारण कितने दिन सर साया पर पड़े रहे। भगवान के भक्त होते हुए भी उनको ये सजा मिली। भैया भले ही राम राम करो, राम विरोधियों का साथ दोगे तो दंड आपको भी भोगना पड़ेगा। इसीलिए प्रार्थना है जातिवाद में ना बंट करके हिंदुओं का, हिंदुओं को संगठित होना है। और हिंदुओं की बात करें, दारा 370 हट्टी, राम मंदिर बना, काशी कॉरिडोर बना, आपके मंदिरों को जीर्णोद्धार हुआ, सनातन धर्म ने गालियां देवतान आज, अरे वे झूठा सेकुलर रो ढोल पीटनाला
वही कमीज रे ऊपर जने ऊपर डूगा थोड़ा थे इकट्ठा भी आज को और 20 साल रे वास्ते थे एकजुट वे जवो तो एक कमीज रे ऊपर जने ऊ हाचा नहीं जने ऊपर थारा पग पकड़ी के बापू मैं थारा टाबर हां और थे के वो जी उम्मे कर आने मार्ग लिया वो भूलिया भटकिया ने ए थारा इस टाबर है और नेता बनन उंदा गया परा बुद्धि पकड़ मार्ग लिया वो नेता ने और आरा प्राण कुर्सी में बसे आने बोटों मारना हो गाली गलोच नहीं करना सनातन धर्म ने गालियां दे जिगा ने बोटों मार दो चाहे अपनो भाई भी है और सनातन धर्म रे विरोध में बोले जिकारे साथ है विभीषण जी रावण जी ने रावण ने छोड़िया नहीं छोड़ियो कि नहीं छोड़ियो बिल्कुल विभीषण रावण ने छोड़ियो कि नहीं छोड़ियो थे विभीषण रा गुण गावो कि नहीं गावो और थे कुंभकर्ण रा गुण गावो कहीं बोल रावण रे साथ मरियो इनरे वास्ते हिंदू विरोधियों ने साथ देवला तो थारो कलंकित इतिहास बनेला और हिंदू तूने प्रकारा राकन संगठित रे और हम छत्तीसी कोम सब एक जाजम पर सत्संग में सबको लाना चाहिए और सब हमारे भाई हैं ऐसा मानते हुए प्रार्थना है कि मानव शरीरी सार्थकता इसी में मैं आपने पूछूं शास्त्री जी 2014 पहले 166 आदमियों ने मुंबई होटल में मारिया निर्देताओं मारिया आ कायरों की वियो कुर्सी माते बैठो ना जी का कायर जी को कहता के 15% संसाधनारे माथे अल्पसंख्यकों मुसलमानारो अधिकार वेणो चीजे बे की करियो बारे विरोध में क्या और 166 ने मारगा क्या अमेरिका रे आगे शिकायत करा रो बटे जाए ने अरे निर्दोषा रो निर्बला रो रोनो कोई कोनी सुने ओ काको जी आयो 14 रे 25 उड़ीन पुलमा मा दो द्वार वियान दो वारी घर में जाए जाए ने बचेड़िया और पाकिस्तान जाए ने रोयो रे मने मारिया दोरा कड़ा रे मने मारिया दोरा कड़ा पड़ोसी रोयो जाए ने अमेरिका रे आगे और 2014 पहली बारताड़ा रोता रे मने पाकिस्तान ठोके मने पाकिस्तान ठोके एड़ा कायरा दूर रे जो और कुछ भी नहीं है शक्तिशाली बनो और इतना ही कर मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ जयकारा करिए जोरदार जय जय श्री राम जय श्री राम जय जय